सड़कों को हम बनाते हैं, जिन रेलों को हम बनाते हैं, आज अब हम ही घर नहीं पहुंच पा रहे हैं। इस आर्थिक संकट में हमारी सरकार कुछ भी नहीं सुन रही है, वो अपने ही गाय जा रही है। अपने क्या आती है वो फांसीवादी ताकतों के रूप में देखिए है, उसको जो भी फंडामेंटल जो राइट है लोगों का उसको खत्म कर रही है। तो हमें बहुत ही ध्यान से इस हमारे संघर्ष को, खास करके कम्युनिस्ट खेमे को अपने लड़ाई को मजबूत करनी होगी। और आज हम इस सेमिनार में नरेंद्र जी के याद में और उनकी तमाम जो मजदूर वर्ग के लिए जो उनका काम है उनको मैं सलाम करती हूँ और उन्हें याद करती हूँ। उनकी वजह से मैं इन क्राइम मजदूर केंद्र से मिल पाई, उनसे मैं पहली बार मिली और उसके बाद ही संगठन से जुड़ पाई और समझ पाई मजदूर वर्ग की क्रांति, उसकी संघर्ष, बहुत सारी चीज़ें मैंने उनसे सीखी है और मैं उन्हें सलाम करती हूँ, उनके संघर्ष को सलाम करती हूँ। आज हम जिस संकट से गुजर रहे हैं, जो हमारा विषय भी है आर्थिक संकट और फांसीवादी जो ताकतें हैं वो कैसे बढ़ रही हैं और मजदूर वर्ग की जो आंदोलन है उसकी क्या चुनौतियां हैं, सभी साथियों ने आर्थिक संकट पर काफी बातें रख दी हैं, उसमें मैं थोड़ा सा चीज जोड़ना चाहती हूँ। यह कि जो कोरोना काल का जो समय रहा है आर्थिक संकट का, वो एक बहुत मुझे मेरी समझदारी के अनुसार मुझे बहुत ये लगता है कि पूरा वही जो कॉर्पोरेट समाज है, जो पूंजीवाद का पूरा घेरा है, जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल का है, उसमें बहुत मुझे इसका कोरोना का बहुत ये लगता है कि एक तरह की महामारी थी या नहीं, एक बहुत चैलेंजेस पॉइंट मुझे लगता है, बहुत मुझे अंदर से पिंच करता है कि सच में महामारी थी या नहीं। बस मेरा एक पॉइंट इसलिए मैं सभी साथियों से रखना चाह रही थी कि बहुत ही पिंच करता है, जैसे कि पहले से ही पूंजीवाद जो है आर्थिक संकटों में पूरा फंस चुका था। 2008 और 7 से ही हम लगातार देख रहे हैं कि आर्थिक संकट आ रहे हैं, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, लगातार संघर्ष चल रहा है हर क्षेत्र, खास करके असंगठित क्षेत्र के जो लोग हैं वो लगातार नीचे जाते रहे हैं आर्थिक संकट के दौरान। तो हमारा ये पूरा कॉर्पोरेट जो जहाँ है मतलब जगत है वो एक बहुत अच्छा सा एक मतलब कि रखा है कि अपने ये जो हमारे आर्थिक संकट का पूंजीवादी व्यवस्था में आर्थिक संकट लगातार 10 साल 20 साल 30 साल पर आता है, ये पूरा हमारा हिस्ट्री रहा है। तो इस दौरान जो 2019 का संकट का जो समय है जो हम झेल रहे हैं या मैं महसूस की हूँ अपने पढ़ाई के दौरान, तो पीछे का संकट हम लगातार मार्क्स एंगल्स की किताबों से हम लेते ही हैं, लेकिन अभी का जो संघर्ष का मैंने देखा है या समझा है वो यह कि ये जो पूंजीवादी संकट पूरे तरीके से फंस गई थी, इसका कोई हल नहीं दिख रहा था। वो तो एक मतलब किसी भी सेक्टर में जो उद्योग है हर तरह का भरमार पड़ा हुआ है, उत्पादन से स्टॉक पूरा हमारा भरा पड़ा हुआ है, कहीं से इसका रनअप नहीं हो रहा है। तो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा मतलब इन्हें पॉइंट लगा और इस तरह का पूरा कोरोना काल में लोगों के पास जो धन है, जो उनकी बचत है, उसकी जो पॉकेट सेविंग थी लाइफ को आगे चलाने के लिए, उसको उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूरे हमारे समाज में हमारे सोसाइटी में व्यवस्था ने लॉकडाउन लगाकर उसको बहुत ही बेहतरीन से अपने 2 साल को इस संकट को आराम से निकाल लिया। लेकिन इस आराम से निकालने के चक्कर में लाखों मजदूर सड़कों पर आ गए, उनको घर नहीं दी, जो प्रवासी मजदूर दिल्ली और अलग अलग शहरों में, महाराष्ट्र अलग अलग गुजरात जैसे क्षेत्र राज्यों में जाकर काम करते थे, उन्हें घर वापसी आने में उनकी जाने गए और लोग बेहाल हुए इस आर्थिक संकट के कारण, जो हमें साफ नजर आता है कि हम कैसे खाना खाएं, कैसे दिल्ली जैसे शहर में रहे, एक बहुत बड़ा संकट हमारे सामने आया जो हमारे पूरे मजदूर वर्ग को पूरा दिखाता है कि हम किस तरह से इस समाज में रहने के लायक नहीं, इस समाज रहने के लायक नहीं, साफ साफ हमारे इस संकट को दिखाता है। और ये लगातार हमें उस संकट को दूसरे दूसरे तरीके से
अभी किसान आंदोलन अपने 3 काले कानूनों को वापस लिया लगातार इतने महीने संघर्ष करके, उसी तरह हमें अपने मजदूर आंदोलन की जो चुनौतियां हैं या यह है और ये कोरोना काल में भी दिखा है ये चुनौतियां इस रूप में कि गुजरात के जो मजदूर थे 7-8 मजदूर वह आग जली करके अपने प्रदर्शन को दिखाए कि हम यहाँ भूखे हैं, हमें कोई तरह की सुरक्षा नहीं मिल रहा है, हमें कहीं घर जाने का मौका नहीं मिल रहा है। तो हमें अपने कम्युनिस्ट वर्ग के एक कमजोरी भी लगती है कि कहीं भी मजदूर वर्ग में हमारा संगठन या हमारी आवाज नहीं है मजदूरों के पास। अगर वो आवाज होती तो शायद हम और थोड़े आगे बढ़े होते हैं, हम अपने संघर्ष को आगे बढ़ाए होते। तो ये एक कमजोरी भी हमें अपने संगठन में दिखती है। तो ये हमारी चुनौती है कि हम हर मजदूर वर्ग के बीच में जाएं और उसे ये बताएं कि हमारी हमारी क्या ताकत है। हम एक सुई से लेकर एरोप्लेन तक हम बनाते हैं, हम मजदूर वर्ग बनाते हैं और हम ही आज जिन सड़कों को हम बनाते हैं, जिन रेलों को हम बनाते हैं, आज हम ही घर नहीं पहुंच पा रहे हैं। इस आर्थिक संकट में हमारी सरकार कुछ भी नहीं सुन रही है, वो अपने ही गाय जा रही है। अपनी क्या आती है वो फांसीवादी ताकतों के रूप में देखिए, जब पूरा देश जल रहा होता है, पूरी जनता तबाही में है, भुखमरी के कगार पे है, लगातार लोग गरीबी का स्तर तो गिरते जा रहे हैं, तो वो उस पर बात नहीं करती है। किसी तरह की भी जो भी मुआवजा करती है 5 किलो गेहूं और अनाज की बात करके वो चुप हो जाती है। लेकिन यहाँ हमें ये समझना है कि वो और क्या हमें किस तरह भटकाती है, वो है हिंदू और मुस्लिम करती है। यही फांसीवादी ताकतें है जो हमें लगातार हमारे लड़ाई से हमें ओझल करती है, हमें दूर करती है। वो बोलती मीडिया के द्वारा हमें लगातार फांसीवादी ताकतों के जो उसके चाल है वो बहुत बेहतरीन रहते, कभी वो हिंदू मुस्लिम करती है, कभी वो हिंदू राष्ट्र के नाम पर लोगों को इधर उधर करती है कि उसकी जो खुद की लड़ाई है, उसकी रोजगार की लड़ाई है, उसकी अच्छी शिक्षा की, अच्छी स्वास्थ्य की बात है, उस पर उसका ध्यान ना जाए, ना कि वो हिंदू मुस्लिम में फंसी रहे। लगातार दंगे उस तरह के बातें कमेंट वो पास करवाती है गोदी मीडिया के दौरान कि हम फांसीवादी ताकतों में फंसे रहे, हिजाब में फंसे रहे। लगातार छोटी छोटी जो दंगे होती है, छोटी छोटी बातों को लेकर लगातार हमें अपने संघर्ष से, हमें अपनी लड़ाई से, मजदूर वर्ग की लड़ाई से वो भटकाती है कि हम उस पर हमारा ध्यान ही ना जाए। तो एक फांसीवादी ताकतें लगातार कोशिश कर रही है और जब भी बीजेपी सरकार आती है तो इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ जाती है। हम देखते हैं अभी लगातार मीडिया में बात चल रही है, कहीं भी कुछ भी खुदाई हो रही है, कुछ तरह का भी इंस्ट्रूमेंट निकल रहा है तो वो शिवलिंग है। इस तरह से कितनी खतरनाक स्थिति में है। हमारा संविधान जो धर्म निरपेक्षता की बात करती है वो यह सरकार वो लगातार उसको खत्म करती जा रही है। संविधान के भी मूल्यों को, उसके भी जो भी सिद्धांत है, उसको जो भी फंडामेंटल जो राइट्स है लोगों का, उसको खत्म कर रही है। तो हमें बहुत ही ध्यान से इस हमारे संघर्ष को, खास करके कम्युनिस्ट खेमे को, अपने लड़ाई को और मजबूत करनी होगी कि इस फांसीवादी ताकतों से हम बचें और अपने आर्थिक जो संकट है वो हम अपने मजदूर भाइयों को, और खास करके एक साथी अभी किसान आंदोलन से बोल रहे थे कि जो हमारे मिडिल क्लास वर्ग के जो लोग हैं, जो टाई पहन कर जो मजदूर है, उन्हें भी हमें अपने साथ लाने की जरूरत है। जब तक वो खुद महसूस नहीं करेंगे कि हम टाई पहन कर एक मजदूर है, उनके दिमाग में बहुत अच्छे से भरा है कि ईंट उठाने वाला ही मजदूर होता है, उनको उनके जहन में हम जब तक नहीं समझाएंगे कि टाई वाला भी एक मजदूर है, वो भी पूंजीपतियों द्वारा लगातार शोषित हो रहा है, वो मेंटली लगातार वो डिप्रेस हो रहा है, उसका लगातार शोषण है, और ऊपर पंप होने के बाद तो और भी ज्यादा वो डिप्रेस हो रहा है। तो उनको खुद अपने मजदूर भाइयों के लिए उठ कर आना होगा और लड़ाई के लिए लड़ना होगा। हम तो यूनियन अपनी तरफ से हमेशा काम करते हैं, उनके बीच उनसे बात करते हैं कि कई लोगों से मेरी बात हुई है जो आईटी सेक्टर में काम करते हैं, तो वो रिकॉग्नाइज ही नहीं करते हैं कि हम मजदूर हैं। लगातार कई मीटिंग्स के दौरान बात हुई तब वो उस चीज को एहसास कर पाए कि हम भी मजदूर हैं। तो ये सब चीजें हैं कि उनको हमें जोड़ने के लिए, फिर उनके माइंडसेट को भी बहुत जल्दी हम चेंज नहीं कर सकते हैं कि वो टाइप आने के मजदूर हैं या नहीं, ये ढूंढने वाला इसमें मजदूर है।
तो मजदूर वर्ग की जो पूरी लड़ाई है वो अकेले तो नहीं लड़ी जा सकती है, उसको किसान और मिडिल क्लास के जो अपर क्लास के जो मजदूर वर्ग है उनको भी साथ आना होगा। और हमारे जो संगठन है, हमारे यूनियन है, तमाम लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं उनके सामने ये पूरी चुनौती है कि हम मजदूर वर्ग को लगातार अवेयर करें, उन्हें सचेतन करें, सरहारा वर्ग की राजनीति को बताएं और उनके साथ लगातार जुड़ते रहें। इसमें जो एक और बात छूट रही थी, जो महिला मजदूर की जो बात छूट रही थी, उसे मैं इंगित करना चाहती हूँ कि लगातार महिला मजदूर असंगठित क्षेत्र में ज्यादा उनकी संख्या है, तो उनकी क्या दशा है, उनकी काम करने के घंटे, उनकी स्वास्थ्य, वो काफी दयनीय स्थिति में है। अभी कोरोना काल में ही एक महिला से बात हुई, उनसे बात होने के दौरान पता चला कि उनको कोई छुट्टी ही नहीं मिलती है, वो प्रेग्नेंट थी फिर भी उनको लगातार काम पर जाना पड़ा था, उससे काफी वो परेशान हुई। तो इस तरह महिला मजदूर इस पूंजीवादी समाज में बहुत ही खराब स्थिति है, हर क्षेत्र में वो दोनों शोषण की शिकार है। अगर वो काम करती हैं तो एक पूंजीपति के द्वारा शोषित हो रही हैं और घर में भी उनको काम करना पड़ता है, तो एक पितृत्वी जो हमारा समाज है, पितृत्वी जो सोच है वो महिला को और भी दो तरह से शोषित करता है, तो उनको भी हमें जोड़ने की जरूरत है, अपने संघर्ष में लाने की जरूरत है। धन्यवाद।